हाय लव यू यू ऑल आर वेलकम इन 3 मिनट रैपिड फायर क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। क्या जानेंगे इस 3 मिनट के अंदर? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से आपसे पूछा जाता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इंडिया, योर आंसर वुड नॉट बी आरबीआई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरबीआई अलॉन्ग विद सेबी एंड आईआरडीए, है ना। तो जिस ऑप्शन में आपके ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो, उस वही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, बिकॉज क्वेश्चन इज फिनेंशियल रेगुलेटर, नॉट मनी मार्केट रेगुलेटर, राइट। तो फिनेंशियल रेगुलेटर आरबीआई, सेबी एंड आईआरडीए। हाँ, अगर आपसे फर्दर डिवीजन करके आपसे पूछा जाए कि मनी मार्केट, देन यू गो विथ आरबीआई, कैपिटल मार्केट, देन यू गो विथ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, एंड इंश्योरेंस मार्केट, देन यू गो विथ आईआरडीए। तो यहां पे ये हमने जाना है कि रेगुलेटर रेगुलेट कौन करता है, इंडिविजुअल तरीके से किस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, और फिनेंशियल रेगुलेटर के तरीके से कौन कौन से मार्केट को रेगुलेट कौन से इंस्टीट्यूशन करती है। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में हुआ, और आज के डेट में उसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर इज इन फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज इन मुंबई। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंपावरमेंट हमने 1992 में दिए हैं। माधवीपुरी बुच इज प्रेजेंट चीफ ऑफ SEBI and the headquarter is in same, that is financial capital of India, that is in Mumbai. And the third, that is insurance regulator, that is IRDA, Insurance Regulatory Development Authority of India, establishment in the year 1999, and the headquarter is in Hyderabad. तो आपसे अगर different तरीके से question पूछा जाता है तो उसके answer उस तरीके से आप सोच के देंगे। आपसे कैपिटल मार्केट पूछा जाए, स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाए, म्यूचुअल फंड पूछा जाए, रेटिंग एजेंसीज पूछा जाए, गो विथ सेबी। आपसे डायरेक्ट बैंक और एनबीएफसी के रेगुलेटर पूछा जाए, गो विथ आरबीआई। आपसे इंश्योरेंस पूछा जाए, देन यू नो द आंसर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटर इज आईआरडीए। एस्टैब्लिशमेंट की ईयर की हमने बात कर ली है, 1935 आरबीआई, 1988 इज सेबी एंड 1999 इज आईआरडीए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात ये है कि आप समटाइम्स आप ये फाइंड आउट करेंगे कि सेबी के एस्टैब्लिशमेंट का जो ईयर है वो बहुत जगह 1992 लिखा हुआ है, दैट इज नॉट द करेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ईयर। इस 1992 में हमने सेबी को कॉन्स्टिट्यूशनल इंपावरमेंट दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थे आपके लिए, जिसमें हमने 3 मिनट में ये फिनेंशियल रेगुलेटर और आपके स्ट्रक्चर, फिनेंशियल रेगुलेटर और जो पोर्टफोलियो के आधार पर रेगुलेटर है उसकी बात, उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात हमने जानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।